सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मैथ्स में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मतदान से पहले हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, यानी कि मतदान से एक दिन पहले हमें कौन कौन से काम पूरे कर लेने हैं जिससे कि हम अपने यहाँ समय से मतदान शुरू करा सकें और समय से उसको पूरा करा सकें। साथियों, आपको मतदान से एक दिन पहले ही पूरा सामान मिल जाएगा। उस सामान में आपको निर्वाचन नामावली मिलेगी और मतपत्र मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि निर्वाचन नामावली में आप देख लेंगे कि कितने वोटर्स हैं, कितने मतदाता हैं। उन मतदाताओं के हिसाब से कम 80% मतपत्रों पर मोहर लगा लेनी है। ग्राम पंचायत वाले मतपत्रों पर ग्राम पंचायत वाली मोहर लगानी है और जिला पंचायत वाले मतपत्रों पर जिला पंचायत वाली मोहर लगा लेनी है। आपको ये काम 14 तारीख को ही कर लेना है और आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि कम से कम 80% मतपत्रों पर मोहर लगा लें और पीठासीन अपने साइन कर दें जिससे कि उस दिन आप फ्री रहें और आपका काम चलता रहे। जो मतदान अभिकर्ता बनाने वाली प्रक्रिया है वो भी आपको एक दिन पहले ही कर लेनी है। आप बोल दें जो लोग एजेंट बनने वाले हैं वो अपने प्रपत्र हमारे पास ले आएं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उनका आईडी कार्ड बनाओगे तो वो आईडी कार्ड आपको मतदान वाले दिन ही उन्हें देना है, उससे पहले आप उनको आईडी कार्ड नहीं देंगे। और जब आप ये प्रपत्र भरेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो एजेंट अपना प्रत्याशी द्वारा भरा हुआ प्रारूप लेकर आएगा उस पर आपको प्रत्याशी के या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर देख लेने हैं और ये देख लेना है कि वो आपके वार्ड के लिए ही अपॉइंट किया गया है या नहीं किया गया है। आप कोशिश ये करें कि प्रारूप 25 भी आप एक दिन पहले ही शाम को साइन करवा लें जिससे कि अगर कोई एजेंट सुबह नहीं आता है समय से तो आपको उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आप ये प्रारूप 25 भरकर मतदान पेटी सील कर देंगे और आप अपने बूथ पर मतदान शुरू कर पाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि इस पर आप शाम को ही साइन करा लें। प्रारूप 26 पर भी आप उसी शाम को साइन कराने की कोशिश करें क्योंकि जब मतदान ख़त्म हो जाता है तो एजेंट आपको नहीं मिलेंगे, वो चले जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि प्रारूप 26 पर भी उसी शाम को ही साइन करा लें। प्रपत्र पर आप ये वार्ड संख्या, मतदान केंद्र का नाम और ये सारी चीज़ें, इसके जो हेड्स हैं फॉर्म के, इन्हें एक दिन पहले ही भर लें। सभी प्रपत्र के हेड्स आप एक दिन पहले ही भर लें क्योंकि ये आपको जमा करने पड़ेंगे, चाहे ये निल जाएं लेकिन ये आपको जमा करने पड़ेंगे और इनके हेड्स जो है वो भरे हुए होने चाहिए। तो आप कोशिश ये करें कि इनको एक दिन पहले ही भर लें। इस प्रपत्र को एक दिन पहले नहीं भरें, ये प्रपत्र उसी दिन भरा जाएगा अगर आवश्यक होता है, अदरवाइज़ इस पर निल रखकर आप इसको रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। प्रपत्र 29 के हेड्स आप एक दिन पहले ही भर लें क्योंकि इसमें निर्वाचन केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें भरी जानी हैं। तो आप इनको एक दिन पहले ही भर लें इससे कि आपको अगले दिन आसानी रहे। आपको ये कोशिश करनी है कि जितना काम आप एक दिन पहले ख़त्म कर लेंगे उतना आपको आसान रहेगा, आपके बूथ पर मतदान बड़ी आसानी से होता रहेगा। इसके हेड्स भी आप एक दिन पहले ही भर लेंगे, बाकी की जो टेबल है वो आपको बाद में भरनी है। ये मतदान वाले दिन के अनुसार भरनी है, कितने टेंडर वोट पड़े आपके यहाँ ये उसी हिसाब से भरी जाएगी। इसी तरीके से दृष्टिबाधित और असक्त मतदाताओं की सूची, इसके हेड्स आप एक दिन पहले ही भर लेंगे, बाकी की डिटेल मतदान वाले दिन आवश्यकता के अनुसार भरी जाएगी। प्रपत्र 32 ये भी मतदान वाले दिन के अनुसार ही भरा जाएगा अगर इसकी आवश्यकता होती है तो, अदरवाइज ये ब्लैंक चला जाएगा। प्रपत्र 33 भी आपको उसी दिन भरना है मतदान वाले दिन अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो, अदरवाइज़ ये ब्लैंक फॉर्मेट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी आपको नहीं भरना है और ये कोशिश करनी है कि ऐसी स्थिति ना बने कि ये प्रपत्र हमें भरना पड़े।
पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनको मतदान से एक दिन पहले भी भर सकते हैं। तो कोशिश ये करें जो चीज़ें एक दिन पहले भरी जा सकती हैं उनको आप एक दिन पहले ही भर लें। नंबर 4 तक आप एक दिन पहले भर सकते हैं, 5 को भी एक दिन पहले, 6 को भी एक दिन पहले भर सकते हैं। नंबर 7 भी उसी दिन भरा जाएगा, आप इसको एक दिन पहले ना भरें। 9 नंबर की टेबल में निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या आप एक दिन पहले ही लिख लेंगे और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की संख्या भी आप एक दिन पहले लिख लेंगे। अगर सभी के पोलिंग एजेंट आप एक दिन पहले ही बना लेते हैं तो उन संख्याओं को भी आप एक दिन पहले ही लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 उसी दिन के अनुसार भरे जाएंगे जिस दिन मतदान है, तो इनको एक दिन पहले ना भरें, इनको उसी दिन के लिए छोड़ दें। प्रपत्र 36 देखते हैं, इसमें कॉलम नंबर 1 मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, इसको आप एक दिन पहले भर लेंगे। बाकी के कॉलम इसके उसी दिन के अनुसार भरे जाएंगे जिस दिन मतदान होगा। बाकी इसकी सारी डिटेल जो है वो मतदान के अनुसार ही भरी जाएंगी, तो इन्हें मतदान वाले दिन ही भरें। अगर साथियों आप इतना काम एक दिन पहले कर लेते हैं तो आपके यहाँ मतदान बड़ी आसानी से और बड़ी सुगमता से हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सभी लिफाफे आप इस फॉर्मेट में एक दिन पहले ही तैयार कर लें जिससे कि आपको उस दिन न तैयार करने पड़े। आप इस तरीके से सभी लिफाफों पर लिख लेंगे। इस पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं कि कौन से लिफाफे पर क्या लिखना है, तो आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे और इनको आप एक दिन पहले ही तैयार कर लेंगे। और आपको इनको सील भी करना है 2 कोनों पर और 1 बीच में, तो ये काम आप एक दिन पहले ही कर लेंगे। लाख बत्ती से इन पर सील करना है इनको, तो ये भी काम आप एक दिन पहले ही कर लें।